स्ट्रैटीज़ फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स विद बिहेवियल डिसऑर्डर्स तो हम किस तरह से इन बच्चों को डील कर सकते हैं अपने क्लास रूम्स में और इनको किस तरह से एजुकेशन जो है वो अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं तो इसमें आइडेंटिफाइंग सर्कमस्टांसिस दैट ट्रिगर इन अप्रोप्रियट बिहेवियर्स सबसे पहले वो इन्वायरमेंट में क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बच्चों को एग्रेशन की तरफ ले कर आते हैं हमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है बजाय ये कि डायरेक्टली आप बच्चे से कहें कि क्लास से बाहर निकल जाओ और तुम हर वक्त बच्चों को डिस्टर्ब करते हो और उसके बाद उसको आप पनिशमेंट पे पनिशमेंट दें वो मजीद उसके अंदर हैबिट्स पक्की हो जाएंगी वो मज़ीद मिसबिहेव करेगा आपके साथ तो इसलिए आ, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी तरफ से क्या ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या क्लास फैलोज़ की तरफ से क्या ऐसी बात क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो मिसबिहेव कर रहा है तो हमें सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं सरकमस्टेंसेस उसके बाद है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग इलनेस फटीग हंगर और साइड इफ़ेक्ट्स फ्रॉम मेडिकेशन बाजुकात बच्चे बच्चे के एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स कुछ मेडिकेशन भी जो है वो उनको एडवाइस करते हैं तो हो सकता है उन मेडिसन्स के अंदर ऐसा एलिमेंट हो जो उनके एग्रेशन को ट्रिगर कर रहा है तो ये भी टीचर्स ने और पेरेंट्स ने देखना है कि कहीं मेडिसिन में ऐसी बात तो नहीं है जिसकी वजह से उनकी जो है साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बच्चों में एग्रेशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं या भूख की वजह से या ओवरवर्क की वजह से तो ही बच्चे इस तरह से चिड़चिड़े हो जाते हैं हमेशा आप देखें जब बच्चे एक्सरसाइज करके आएँ या बच्चे कहीं सारा दिन कहीं चल के फिर के आएँ तो हमेशा वो रूडली आके घर में बिहेव करना शुरू हो जाते हैं तो वी नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई द मेन कॉज बिहाइंड द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड देन वी कैन टैकल दैम फिज़िकल फीचर्स ऑफ द क्लासरूम इसमें बड़ा ज़रूरी है कि क्या जो फ़िज़िकल फीचर्स हैं क्लास uh, की चेयर्स, क्लास का टेबल वो प्रॉपर है बच्चे के लिए कहीं उसकी डिस्टर्बेंस तो नहीं है और क्लास में जो है वो वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर है इसके अलावा सख्त गर्मी में भी स्टडीज़ नहीं जारी रखनी चाहिए और सख्त सर्दी में भी बच्चों को टीच ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मालियाती जो अवामल हैं ये बच्चे की अटेंशन की उसकी नहीं आने देते स्टडीज़ की तरफ तो जब आप ज़बरदस्ती बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे तो तब भी बिहेवियल इश्यूज़ जो हैं वो सामने आते हैं तो टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें क्लास का जो माहौल है उसको भी पीसफुल बनाना चाहिए उसके बाद इंस्ट्रक्शनल चॉइसज़ और स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए बाज़ार टीचर्स जो हैं वो पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास में चाहते हैं दो बड़ी मेजर स्ट्रेटजीज हैं वो मेजर स्कूल ऑफ थॉट हैं किसी भी क्लास को पढ़ाने के लिए एक तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है टीचर सेंटर्ड का मतलब है वट एवर टीचर इज़ सेंग आल स्टूडेंट्स शुड फॉलो और उसमें स्टूडेंट्स की चॉइस और ओपिनियन जो है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती तो उसमें टीचर्स ने बाज़ का तो यहाँ तक आ, कह दिया होता है कि आपने आपके हंसने पे मुस्कुराने पे सवाल पूछने पे भी पाबंदी है इसके अलावा टीचर्स उनको कहते हैं कि आपने आ, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो जो मैं कहूँगी या मैं कहूँगा वो आपने फॉलो करनी है नोट्स भी जो मैंने देने हैं जो बुक मैंने रिकमेंड करनी है वो आपने फॉलो करनी है यू डोंट हैव एनी चॉइस टू राइट अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन और अकॉर्डिंग टू एनी अदर बुक एंड यू शुड फॉलो द सेम बुक वट एवर आई सजेस्टेड तो जब इतनी सख्ती के साथ आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो तब भी बिहेवियरल इशूज़ जो हैं वो आते हैं तो स्ट्रैटीज़ ये हैं कि हमेशा पार्टिसिपेटरी क्लास होनी चाहिए टीचर को जो है वो लेस टॉक करना चाहिए फोर्टी परसेंट बोलना चाहिए और बाकी सिक्सटी परसेंट बच्चों को देना चाहिए या थर्टी परसेंट टीचर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और सेवेंटी परसेंट बच्चों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इस तरीके से जो है वो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं क्लास में और उनकी डिस नहीं आती तो इसलिए इंगेजमेंट बच्चों की इनक्रीज़ करने के लिए टीचर को स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के साथ चलना चाहिए बच्चों की चॉइसेस और उनकी ओपिनियन जो है उसके साथ उनको चलाना चाहिए उसमें बच्चे जो हैं रिस्पेक्ट भी सीखते हैं और साथ में उनको ये पता होता है कि हमारी भी कुछ अहमियत है क्लास के अंदर और इस तरह से वो टीचर जो है वो एक चूँकि रोल मॉडल है तो टीचर्स उस वक़्त अपनी रिस्पेक्ट ज़्यादा करवा सकते हैं जब वो अच्छे रोल मॉडल्स होते हैं क्लास में अगर टीचर टाइम से नहीं आता वो स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो भी रेगुलर टाइम पे आएंगे तो इसलिए टीचर को सबसे पहले ख़ुद मिसाल पैदा करनी चाहिए प्रजेंट करनी चाहिए रेगुलर कम इन टाइम इन द क्लास दैन स्टूडेंट्स विल फॉलो द टीचर्स मॉडल इसके अलावा अगर टीचर का स्टाइल जो है वो डांट डपट वाला है और इंसल्टिंग है और उसने बच्चों को उनके मुख्तफ नामों के साथ बुलाना है ये तो बड़ा नलायक है ये तो बड़ा अच्छा है ये तो बुरा है ये हमेशा लेट ये लेट कमर है इस तरह के कमेंट्स बच्चों को नहीं देने चाहिए बच्चों को टैगड नहीं करना चाहिए नेगेटिव कमेंट्स के साथ तो इसलिए क्लास में बच्चों की पार्टिसिपेशन इनक्रीज़ करने के लिए हमेशा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और हमेशा बच्चों से कहना चाहिए जी आप बताइए अपनी इर्द गिर्द की कोई एग्ज़ाम्पल दे कि अगर बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है या बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो ऐसे बच्चों को सोसाइटी क्या समझती है और उनके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए और जो अच्छे बच्चे होते हैं अच्छा बिहेव करते हैं उनके लिए जो है सोसाइटी क्या ख्याल रखती है तो इस तरह का कंपैरिजन आप क्लास के अंदर बच्चों से करवा सकते हैं जिसमें काफ़ी बच्चे जो हैं वो एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपको देते हैं और उससे भी आपको हेल्प मिलती है कि हाउ टू टैकल दीज स्टूडेंट्स इन द क्लास